हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की मेरी वीडियो है, अगर आपका बनी अपने बच्चों को फीड कराने से मना कर देता है, यानी कि बनी अपने बच्चे को रिजेक्ट कर रहा है, तो उसे फीड कैसे कराएं। मेरी बनी अंगूरी ने अभी कुछ दिन पहले ही बच्चे दिए है। अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बनी को अपने पास लेके आना है और उसको प्यार करना है, और फिर उसको उसके बच्चों से इंट्रोड्यूस कराना है, इस तरीके से जिस तरीके से अभी हम करा रहे हैं। बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बनी को पता रहे कि वो इसके बच्चे हैं और वो इसको अब फीड कराएगी। ऐसा करने पे लगभग 1 वीक बाद वो अपने आप ही अपने बच्चों को फीड कराना स्टार्ट कर देगी। धीरे धीरे बनी को प्यार करके उसका ट्रस्ट गेन करना है, उसको ये बताना है कि हम उसे हार्म नहीं करना चाहते हैं, और धीरे धीरे आप उसको ट्राई कीजिए उस पोजीशन पे बिठाने का जिससे कि हम उसे फीड करा सके। इस तरीके से जब आपका बनी खुद बैठ जाए, उसको आराम से पकड़िए और एक डायरेक्शन में मोड़ लीजिए इस तरीके से। लेट हर रिलैक्स, मदर बनी को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। जब आपको लगे आपका बनी रिलैक्स है, तब उसको एक बच्चा दीजिए। पहले देखिए वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर वो हाथ पैर चला रही है तो आप एक ही बच्चा रखें। मेरा बनी हाथ पैर नहीं चला रहा, इसलिए मैं तीनों बच्चों को अब फीड कराऊंगी। आपको बहुत लाइटली बनी को पकड़ना है। मेरे बनी की अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है, उसको कॉमन कोल्ड हो गया है और हम उसका ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल लाइटली ही होल्ड करना है और बच्चे अपने आप फीड करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, आप बनी पे प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ये छोटे बच्चे हैं तो बनी ने भी अभी बच्चों को जन्म दिया है। मदर बनी अभी भी पेन में है। धीरे धीरे बच्चे फीड करते रहेंगे, उनका पेट और मुंह का कलर जो है पिंक कलर का हो जाएगा। अगर उनका कलर पिंक कलर का है, इसका मतलब उनके अंदर दूध की कोई कमी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, मेरे बनी का कलर पिंक है, पेट पे पिंक कलर है, तो इसका मतलब उसको प्रॉपर मात्रा में मिल्क मिल रहा है। बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है, हाथ धो के बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाथ से ही छूना है, ताकि उनको हमसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। मेरी बनी अंगूरी ने नेस्टिंग नहीं की थी और अपने बाल भी नहीं उतारे थे, हमने इसके बाल खुद काटे हैं। तो आपको इस तरीके से बनी को, बेबी बनी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हमेशा उनको हल्के हाथों से ही होल्ड करना है, ज़्यादा टाइटली नहीं दबाना है, बहुत ही हल्के हाथों से। अगर इस टाइम बनी को चोट लग जाती है तो हेड टिल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि बनी का जो पेट है वो फूल रहा है, उसमें मिल्क साफ दिख रहा है और उसका जो कलर है वो पिंक होता जा रहा है। इसका मतलब अब उनका पेट जो है भर गया है, अब दूध पीते पीते बनी सो रहे हैं। बेबी बनी को दिन में 2 से 3 बार ही फीड कराया जाता है, इससे ज़्यादा बार आपको फीड नहीं कराना है, क्योंकि इससे मदर बनी परेशान होती है। अब बच्चों का पेट भर गया है और अब हम धीरे धीरे इनको वापस इनके बॉक्स में रख रहे हैं। अब बनी ने फीड करा लिया है, अब हम बनी को रिलैक्स होने देंगे। अब वो रिलैक्स हो रही है, लेट हर रिलैक्स। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको एक बाउल में गरम पानी लेना है, ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा ठंडा। उसको कॉटन में डिप करके फिर बनी के प्राइवेट पार्ट पे बिल्कुल जेंटल हाथों से रब करना है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ। ऐसा करने से बनी यूरिन पास करेगा और उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, ये आपको पता चल पाएगा। आप देख लीजिए किस तरीके से बनी यूरिन पास कर रहा है। अब आप इसको दोबारा से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से क्लीन करना है। अब आप इसका पेट देख सकते हैं, ये ज़्यादा टाइट नहीं है, पहले ये बहुत टाइट था। इसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इस तरीके से इसको यूरिन पास कराते हैं। अब हम इसको पोछेंगे, यानी कि ड्राई करेंगे, देन अब ये सोएगा। इस तरीके से रिजेक्टेड बच्चों को फीड कराया जाता है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरी अंगूरी भी रिलैक्स कर रही है
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।